मॉर्निंग मॉर्निंग मेडिटेशन में आपका स्वागत है। हमारी सीरीज चल रही है कि मोबाइल से होने वाले साइड इफेक्ट्स से हम कैसे बच सकते हैं। तो इसमें हमने बात की है सबसे पहले कि जो आंखों पे प्रेशर पड़ता है उसका समाधान क्या है। उसके बाद हमने कल बात की कि जो फिजिकल प्रॉब्लम मोबाइल के ज्यादा इस्तेमाल करने से आती है उसको हम कैसे एक्सरसाइज करके उसे कम कर सकते हैं। आज हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आज हम बात करते हैं कि फोन की वजह से स्लीप डिस्टरबेंस कैसे होती है और फिजिकली साइकोलॉजिकली क्या क्या इफेक्ट्स हमारी बॉडी के ऊपर पड़ते हैं। और उसके बाद हम सोल्यूशन पे आज बात करेंगे कि एक तो कोशिश करें कि ज्यादा फोन इस्तेमाल ना करें, कोई दूसरी एक्टिविटीज हम साथ साथ करते रहें और बीच बीच में कोशिश करें कि कभी एक दिन या फिर कभी 2 दिन या फिर हफ्ते भर बिना फोन के हम रह सके, उसको कहते हैं कि डिटॉक्सिफाई करें। और बात करें अगर हम स्लीप डिस्टरबेंस की, उसके ऊपर हम सॉल्यूशन पे हम बात करेंगे। इसके साथ साथ हम मेडिटेशन कैसे करें और मेडिटेशन करके कैसे अपने आप को मेंटली हेल्दी और स्ट्रांग बना सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं स्लीप डिसऑर्डर्स। तो मोबाइल की वजह से जो नींद डिस्टर्ब होती है उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि हम एक तो जो मोबाइल है उसको बिस्तरे से जितना दूर हो सकता है, अपने से जितना दूर हो सकता है उसे रात को रखें। और दूसरी बात, कोशिश करें कि सोने से कम 1 घंटा पहले अगर पॉसिबल हो तो मोबाइल को देखना बंद कर दे, क्योंकि लास्ट में सोने से कम 15-20 मिनट पहले जो कुछ हमने देखा होता है वो माइंड के अंदर हमारे जो फ्रीक्वेंसी होती है उसके ऊपर उसको उथल पुथल करने में बहुत, जिसे कहते हैं कि बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर हमने सोने से पहले, ये हम एक्सपेरिमेंट खुद पे कर सकते हैं कि सोने से पहले किसी दिन हॉरर मूवी देख ले, डरावनी भूतों वाली फिल्म देख ले और उसके बाद सोए, फिर आप देखेंगे कि उस दिन आपको नींद कैसी आती है, नींद के अंदर कितने डिस्टरबेंस आपकी होती है, या फिर किसी दिन आप बहुत ही रिलैक्स माइंड को रिलैक्स करने वाला कोई म्यूजिक सुन, 5 मिनट 10 मिनट सोने से पहले डीप फेसबुक यूट्यूब के अंदर या फिर फेसबुक के अंदर भी कहीं भी जाके आप स्लीप मेडिटेशन का कोई म्यूजिक लगाएं, उसे सुने और उसके बाद सो। फिर इन दोनों में क्या इम्पैक्ट आपकी नींद पे आता है, ये एक्सपेरिमेंट आप खुद कर सकते हैं। तो आप देखोगे कि जब आप फ्रीक्वेंसी को, माइंड की फ्रीक्वेंसी को लो करके सोओगे तो बहुत अच्छी नींद आएगी, और जब आप कुछ हॉरर वाला देखेंगे जहाँ पे माइंड की जो फ्रीक्वेंसी है वो डरावनी है और बहुत ज्यादा नेगेटिव आपने देखा है, उस दिन आपको नींद कैसी आती है। तो इससे जो भी रिजल्ट सामने आएगा आप 2 दिन एक्सपेरिमेंट करके देखिए वो रिजल्ट, उसके बाद आप उस पे चलिए। अगर आपको लगे कि कभी सोने से पहले अगर आपने कुछ अच्छा सुना या फिर कुछ भी नहीं सुना 1 घंटे तक, तो उसमें आपको नींद बेटर आती है। एक तो ये इसके लिए सोल्यूशन है नींद से बचने के लिए। दूसरा है अपने आप को, बॉडी को डिटॉक्सिफाई करें, रोज एक्सरसाइज करके बॉडी को डिटॉक्सिफाई करें, बॉडी के अंदर पॉजिटिव एनर्जी ऑक्सीजन ज्यादा मात्रा में ले। और तीसरा है मेडिटेशन। अगर हम मेडिटेशन करते हैं सोने से पहले, अगर हम मेडिटेशन करें तो हम एक बहुत अच्छी डीप स्लीप आ सकती है। मेडिटेशन के ऊपर अलग से क्लास होगी लेकिन अभी मैं बात करूंगा डिटॉक्सिफाई, बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने के लिए सबसे बेटर तरीका है भस्त्रिका प्राणायाम। तो हम भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे जिसको हम 3 स्टेप में करेंगे कि सांस अंदर सांस बाहर। इससे जब हम सांस ले रहे हैं तब बहुत ज्यादा ऑक्सीजन हमारी बॉडी में जा रही है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल रही है, या फिर दूसरा थॉट आप ले सकते हैं कि पॉजिटिव एनर्जी इन हो रही है और नेगेटिव एनर्जी आउट हो रही है। तो चलिए शुरू करते हैं भस्त्रिका प्राणायाम से। सबसे पहले रिलैक्स होकर बैठ जाए, चारों ओर से अपने मन को हटाकर अपने
अपने ऊपर केंद्रित करें विजुअलाइज करें कि आप एक बहुत सुंदर गार्डन में बैठे हैं जहां चारों ओर हरियाली है और साथ ही साथ पिन ड्रॉप साइलेंस। आप अकेले बहुत शांत जगह पे ऐसा विजुअलाइज कर सकते हैं कि एक बहुत बड़ा घना जंगल है, उस जंगल के बीचों बीच एक छोटा सा मैदान है, उस मैदान में आप अकेले बैठे हैं, चारों तरफ पिन ड्रॉप साइलेंस। इस दृश्य को विजुअलाइज करेंगे तो हमारा मन एकाग्र होगा, हमारा मन हमारे साथ होगा। ड्रोन कैमरे से जिस तरह से व्यू दिखता है वैसा देखिए कि बहुत बड़ा घना जंगल है, बीच में एक छोटा सा मैदान है और उस मैदान में आप अकेले बैठे धीरे से सांस लें। विजुलाइज करें कि पूरे जंगल की ऑक्सीजन आप खींच पा रहे हो, बॉडी के अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल रही है, ऑक्सीजन इन कार्बन डाइऑक्साइड आउट। क्रिया से हम बॉडी को डिटॉक्सिफाई करेंगे, बॉडी के अंदर जो ऑयल के रेडिएशन की वजह से प्रॉब्लम आई है उसे हम खत्म करेंगे। तो सबसे पहले हम धीरे धीरे 2 मिनट तक लंबे गहरे सांस लेंगे और छोड़ेंगे। से आप सांस लेते रहे, ऑक्सीजन इन कार्बन डाइऑक्साइड और धीरे से अंदर धीरे से बाहर। ऑक्सीजन इन कार्बन डाइऑक्साइड आउट, धीरे से, इतना धीरे कि खुद को भी पता ना लगे, लगातार करते रहे। अब 1 मिनट तक थोड़ा सा सांसों की गति को बढ़ाएंगे, पॉजिटिव एनर्जी इन नेगेटिव आउट। आप काउंटिंग के साथ भी कर सकते हैं, 1 2 3 करके भी हम इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं, 1 2। इस तरह 30 बार करेंगे तो ये लगभग डबल करके 1 1 2। इस तरह लगातार करते रहे 1 मिनट तक। और उसके बाद हम सुपर फास्ट तरीके से करेंगे 1 2।
इस तरह लगातार करते रहें, और जब आप इस तरह से करेंगे, एक बार मैं आपको बोलते रहूं, आप करते रहो, 1 2 धीरे से सांस अंदर, धीरे से बाहर, मेरी स्पीड के साथ, 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2, अब थोड़ा फास्ट, 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2, अब फास्ट, 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2, ऐसा लगातार हम 10 बार करें। विजुअलाइज करें कि पूरी बॉडी के अंदर झंझनाहट हो रही है, और यही झंझनाहट बॉडी को डिटॉक्सिफाई कर रही है। पूरे बॉडी के एक एक सेल एक्टिवेट हो चुके हैं, रिजुविनेट हो चुके हैं, और नेगेटिव एनर्जी टॉक्सिन से बॉडी डिटॉक्सिफाई हो चुकी है, एकदम प्योर शुद्ध। बॉडी के अंदर झंझनाहट आपकी बॉडी से टॉक्सिन को निकाल रही है, बॉडी पूरी तरह से डिटॉक्सिफाइड, रिलैक्स हो चुकी है, प्योर हो चुकी है। अब 1 मिनट तक दोनों हाथों का घर्षण करें, और अपने पैर को धीरे से मसाज करें। अपने सबकॉन्शियस माइंड को पॉजिटिव अफर्मेशन दें, धीरे से लंबा गहरा सांस लेते हुए, मेरा तन पूरी तरह से डिटॉक्सिफाई हो चुका है, मेरे तन के सभी रोग निकल कर पूरी तरह से पूरा शरीर स्वस्थ हो चुका है, मैं संपूर्ण स्वस्थ हूँ, मेरा तन निरोगी और मेरा मन शांत हो चुका है। शांति की इस अवस्था को फील करें। मैं संपूर्ण स्वस्थ हूँ, मेरा तन निरोगी और मन शांत। मेरी आत्मा पवित्र है, मैं शांति स्वरूप आत्मा हूं, पवित्र स्वरूप आत्मा हूं, मैं फिजिकली, मेंटली, इमोशनली और स्पिरिचुअली स्ट्रांग हूं, पूर्ण हूं। ऐसे पॉजिटिव अफर्मेशन को दें, और 1 मिनट तक शांत मौन होकर के बैठ जाएं, पूरे शरीर को ढीला छोड़ दें, फील करें कि हम बॉडी के अंदर है ही नहीं, बॉडी एकदम रिलैक्स। अब चाहो तो शवासन में लेट सकते हैं।
पूरी तरह शरीर को ढीला छोड़ दें और मन को शांत अवस्था में महसूस करें। मेरा तन रेडिएशन से फ्री हो चुका है। मेरा तन शुद्ध और मेरा मन पॉजिटिव और मेरी आत्मा पवित्र, इस अवस्था को फील करें।